आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। देखो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो आइशर प्रो 2114 XP। इसकी शॉर्ट वीडियो भी आई है चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा। ये डीजल वाला मॉडल है जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। तो भैया हमारे साथ हैं, भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या नाम होगा आपका? अंकुल। अंकुल, तो अंकुल भैया कितने टाइम से अभी ये गाड़ी चला रहे हैं? 6 साल से। मतलब आइशर की गाड़ी चलाते हुए हो गया। और ये जो है ये कितनी पुरानी अपनी गाड़ी है? ये वाली 8 महीने पुरानी गाड़ी है, डीजल में गाड़ी है ये। तो कैसी लग रही है आइशर की गाड़ी आपको? गाड़ी है, सही, ठीक है ना। और एक अपने बराबर में यहाँ 2118 गाड़ी भी है, वो भी सेम इन्हीं ट्रांसपोर्ट की है, 2118 मॉडल। इसकी भी अभी वीडियो अभी शूट होगी, तो वो भी आएगी चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों गाड़ियों की मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और तो भैया आपको जो है जैसे गाड़ी चलाते समय कैसा फील होता है जब आप आइशर की गाड़ी चलाते हो? तो सही चलती है, खुल के चलती है। मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है ना, चढ़ान आ गया तो गाड़ी जो है दबसी जाती है। नहीं जी, नहीं दबती है, ऐसा नहीं है। चलती चली जाती है। तो क्या क्या भैया कितने में पड़ती है गाड़ी? ये पड़ती है 24 लाख में। 24 लाख में पड़ रही है? तो 24 लाख में तो काफ़ी महंगी नहीं होगी? एसी वगैरह है क्या इसमें? नहीं अभी नहीं है। एसी वाला नहीं है मॉडल, ये बिना एसी वाला मॉडल है। आवाज़ आ गया है ना, अब आ गया है ना। तो एसी वाला मॉडल कितने का पड़ता है? 2 लाख रुपये बढ़ जाते हैं ना। 2 लाख रुपये उसमें बढ़ जाएगा, 26 लाख की हो जाएगी। ज़्यादा कीमत बता रहे हो, इतने में तो 30-30-19 आ रही है। हाँ भाई, 30-19 ही दे रहे ना। हाँ जब नहीं दे रहे, 30-19 में एसी आ रहा है, लेकिन इस वाले में अभी नहीं आ रहा ना, इस वाले में लॉन्च नहीं भाई। लेकिन लेकिन ये बिना एसी के भी तो बड़ा महंगा है, क्या करोगे? 24 लाख है ना इसकी मार्केट, टूट गई है। कैसे लेंच हो जाए तो एवरेज सही है, काटियों सही। कितने का एवरेज दे रही है? 6-7 का एवरेज आ जाता है। भाई मैं आपको बता दूँ, कम से कम ये 18 टन में गाड़ी पास है, ठीक है। आप देख लो, 18 टन में गाड़ी पास है, 18 टन कह रहा हूँ, GVW 18 का है, और 12 टन में गाड़ी पास है ना भैया। और 22 फुट की गाड़ी हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें, ठीक है जी। तो डीजल टैंक भैया कितने का आता है इसमें, कितने लीटर का है? इसमें 250 लीटर का है। 250 लीटर का डीजल टैंक भैया बता रहे हैं इसमें है। और AdBlue वाला जो है वो कितने लीटर का है? AdBlue यूरिया, यूरिया 25 लीटर है। 25 लीटर का यूरिया वाला है। तो ये चीज़ है भाई। बाकी भैया बाकी और सर्विस वगैरह और ये सारी चीज़ें कैसी हैं? सही है, बढ़िया। सर्विस करवाई है अब तक? दो हो चुकी। दो हो गई हैं। कितना खर्चा आया होगा पहले वाली पे और दूसरी वाली पे? पहले वाली कम आया, दूसरी वाली ज़्यादा आया। पहले वाले पे कितना सर्विस आया खर्चा? 20,000 रुपये पहले वाले पे। तो पहले वाली पे इस पर 20,000 रुपये का खर्चा है भाई सर्विस पे। और दूसरी वाले पे कितना आया? दूसरी वाले 30,000 बढ़ जाते ना, वो फुल होती है। फुल होती है तो उस पर कितना टोटल? 30,000 रुपये का खर्चा उस पर आया भाई। किलोमीटर है, ठीक है ना। 50,000-90,000। तो पहली जो सर्विस हुई है वो 50,000 रुपये हुई है, दूसरी जो सर्विस हुई वो 90,000 होने पे हुई है। तो अभी गाड़ी जो है करीब कितनी चल गई होगी? मुझे लगा 1 लाख तो चल गई होगी, है ना, 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो भैया इसमें केबिन की अगर अपन बात करें, केबिन आपको कैसा लग रहा है? छोटा लग रहा है, कैसा लग रहा है? एक बार इसको खोल के देखते हैं, चाबी एक बार लाऊं भाई। इसकी चाबी देख लो, एक बार चाबी दिखाना भैया। देखो ये इसकी चाबियां हैं, ठीक है। तो अभी इसको खोल के देखते हैं। लीजिए भैया खोल के देखिए, तो भाई ये देखो 2114 का मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटीरियर, ठीक है जी। सीट्स वगैरह भैया कैसी लग रही है इस गाड़ी की? सही है सीट, सीट सही है। मतलब कितने लंबे टाइम तक भी अपन बैठ के चलाएं तो कितने चले जाओ, थकान नहीं महसूस होती है? कोई थकान नहीं होती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया सीट बता रहे हैं भैया। बाकी ये जो है स्टेयरिंग व्हील, इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे से कर सकते हैं? हो जाती है ना। चलो तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है भाई। बाकी मैं आपको एक बार अंदर का और चढ़ के मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है भाई। वैसे तो अपन ने बहुत बार देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये जो है चीज़ देखो, यहाँ पे आपको जो है स्टेयरिंग व्हील 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है इसमें। गियर की बात कर लें तो देखो भाई, 7 गियर जो है इसमें आगे के हैं, 1 गियर पीछे का है। म्यूजिक सिस्टम इसमें भैया ने इसमें अलग से लगवा रखा है, ठीक है। और ये सिंपल सोबर इस तरीके से डैशबोर्ड है इसका गाड़ी का। और यहाँ पर आपको बेसिक जो है कुछ यहाँ पर डिटेल्स वगैरह मिल जाती है। कितने किलोमीटर चली गई भैया, एक बार दिखाना चाहते हैं? एक बार मैं आपको इसमें लगा के भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें कुछ आपको बेसिक डिटेल्स वगैरह इसमें मिल जाती है गाड़ी की। तो आप देख सकते हो इसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, 6.5 किलोमीटर का इसमें एवरेज दिखा रहा है पर लीटर,
ठीक है भाई। तो हैंड ब्रेक वगैरह ये है, बाकी ये चीज़ें हैं ठीक है कैबिन। बाकी एक आपको यहाँ पे सनवाइज़र यहाँ मिल जाता है, उधर सनवाइज़र नहीं आ रहा, बाकी छोटा मोटा सामान आप यहाँ रख सकते हैं, ये चीज़ें हैं ठीक है जी। तो इसको कर देते हैं चलो बंद। ठीक है, और तो ये कुछ अभी है। तो कैबिन कुल मिला के कम्फर्टेबल है आपको लग रहा है? अच्छा, टाटा वगैरह और बाकी कंपनियों के मुकाबले कैसी लग रही है आपको? हमें जो सही लग रही है, जो चीज़ चला ही नहीं है पर उसकी बात ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, चलो तो ये है, तो नई गाड़ी है भाई, आप देख सकते हैं ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं, गाड़ी कंफर्टेबल भी आपको लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही लग रही होगी वीडियो ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो आप लोग चाह रहे थे ना कि 21-14 का जो है रिव्यू हो, तो ये है। बाकी ये CNG में भी अवेलेबल है, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो चैनल पर देख लेना। उसका प्राइस मैंने उसमें 18 लाख बताया हुआ है, बट वो गलत प्राइस है। उसमें प्राइस जो है आप मान के चलो 21 लाख के करीब बैठती है, चेसिस ऊपर से अगर आप उसमें बॉडी लोगे तो करीब मान लो 1.25 लाख रुपये है, 1.5-1.5 लाख रुपये ऊपर से बॉडी और लग जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब 22.5 के करीब में वो बैठती है CNG वाली, तो 22 फुटी की है वो। तो भैया आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर आए ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए, बाय।